बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे, एमएलए नीतीश राणे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला बढ़ने पर नीतीश राणे ने थाने में किया है सरेंडर। 50 समर्थकों के खिलाफ भी दर्ज हुई है एफआईआर। इंजीनियर के साथ मारपीट और कीचड़ डलवाने का आरोप है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और कांग्रेस विधायक नीतीश राणे को इंजीनियर के साथ मारपीट, गाली गलौज और कीचड़ डलवाना महंगा पड़ गया। नीतीश को इस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक नीतीश राणे के खिलाफ सिंधुदुर्ग जिले के कुजाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। पुलिस ने आरोपी विधायक और उनके 50 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित इंजीनियर ने अपने खिलाफ हुए उत्पीड़न पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। नीतीश राणे के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं कांग्रेस के विधायक को अपनी इस हरकत पर पछतावा नहीं है। इस घटना पर नीतीश राणे ने कहा कि लोगों ने सड़क के लिए अपनी जमीन दी है, सड़क की हालत खराब है, इसलिए ऐसा करना होगा। ये अधिकारी अभिमानी है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बात की जाए तो नीतीश राणे को इस पर कोई अफसोस नहीं हो। कहते हैं कि ऐसे ही कदम उठाया जाता है। तो तस्वीरें आजकल जिस तरह से आती है लगातार, तमाम जो राजनेता हैं वो कानून को अपने ही हाथ में ले रहे हैं। तो एमएलए नीतीश राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। मामला जो बढ़ गया लगातार, इस पर विरोध देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने खुद सरेंडर किया है। 50 समर्थकों के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। दरअसल इंजीनियर के साथ मारपीट और कीचड़ डलवाने का आरोप है। एमएलए नीतीश राणे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश राणे गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन अगर इस बात को देखकर कहा जाए तो उन्हें इस मामले को लेकर कोई भी अफसोस नहीं है कि ये गलती की गई है। और उनका ये कहना है कि ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सबक सिखाने का ये कौन सा तरीका है। बार बार जो ऐसे राजनेता ऐसे अधिकारी को सबक सिखाते रहेंगे तो फिर कानून का क्या काम रह गया है, जब कानून ही अपने हाथ में ले लिया जाएगा। और जो तस्वीरें आती है उससे आम जनता को क्या संदेश जाएगा।